नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेट द कंपटीशन पे। तो एक अच्छी खबर यहाँ पर निकल करके बाहर आई है यूपी शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के, कि भाई इन्होंने अब फाइनली जो है इनका नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी कर दिया गया है कि यूपी शिक्षक सेवा आयोग अब जो बनाया जा चुका है, और अब इसी के आधार पर यूपी में खास तौर पर शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर करवाई जाएगी। वैसे तो ये अलग और भी भर्तियां करवाएंगे, लेकिन फोकस की अगर हम बात करें कि टीचिंग रिक्रूटमेंट को लेकर के, तो 3 चरणों में भर्ती करवाने की बात कह रहे हैं, PRT, TGT और PGT। 76 पेज का नोटिफिकेशन है। मैंने इसको कुल मिलाकर के 5 पॉइंट में समाप्त किया है, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगी। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की यदि आपकी इच्छा है तो टेलीग्राम के ऊपर जाकर के, बीट द कॉम्पिटिशन चैनल है, वहां से जाकर के डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या इनका काम है, इस रेगुलेटरी बॉडी का काम क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, और इंटरव्यू के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। एक चीज क्लियर कर दूंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैकेंसीज का नहीं है। ये केवल ये बताएगा यहाँ पर यूपी शिक्षक सेवा आयोग कि हम पेपर कैसे करवा रहे हैं। वो समस्या अब यहाँ पर समाधान उसका हो चुका है, जो कि पिछले 2 सालों से ये शिक्षा आयोग बनने की जद्दोजहद बनी हुई थी। पिछली बार भी हमने वीडियो में चर्चा की थी इसके बारे में। पहली बात कि भाई देखिए, यूपी शिक्षक सेवा आयोग की बात करें तो रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलर बेसिस पे ये लोग भर्तियां करवाएंगे। कह रहे हैं कि भाई उदाहरण के तौर पर जो भी भर्ती आएगी उसमें आपका सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, पेपर किस मोड में करवाएंगे, ये सब डिसाइड करेंगे यही लोग। ये भी कह रहे हैं कि यदि किसी राज्य में, यूपी की बात करेंगे, यूपी में यदि वैकेंसी आती है 3 साल के अंदर अंदर अगर भर्ती क्लियर नहीं होती है अध्यापकों की, तो ऐसी दशा में न सिर्फ भर्ती को कैंसिल किया जाएगा बल्कि नए सिरे से भर्तियां करवाई जाएंगी। तो एक अच्छी बात है कि रेगुलर बेसिस पे चीजें अगर चलेंगी तो जो फोकस है यहाँ पर कैंडिडेट्स का, वो भी काफी बेहतर तरीके से जो है काम कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट जो कह रहे हैं कि कोई यहाँ पर जो है डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है। यूपी से है तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो पूरे भारतवर्ष से आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आवश्यकता किस चीज की, आपका आधार कार्ड हो, जो कि ये बताता है कि भाई आप यहाँ पर भारत के नागरिक हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, आपके सिलेबस को लेकर के, साथ में एकेडमिक मेरिट को लेकर के और इंटरव्यू को लेकर के, तीनों को एक एक करके समझेंगे। सिलेबस कह रहे हैं कि भाई जो भी रहेगा आपका PRT में, TGT में और PGT में, ये आयोग ही डिसाइड करेगा। जाहिर सी बात है कि सिलेबस आजकल चाहे राज्य की बात हो चाहे यहाँ पर सेंटर की, खैर बात अलग ही है, तो वहाँ पर सेंट्रल लेवल का ही जो आप देखेंगे सिलेबस काफी तौर पर देखने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। और खास तौर पर अगर मैं एकेडमिक मेरिट की बात करूँ तो सुपर टेट में पहले मेरिट के जो मार्क्स जुड़ते थे 10th के 12th के ग्रेजुएशन के, उसकी समाप्ति अब कर दी गई है। यहाँ पर जो रिटर्न एग्जाम आपका होगा उसके ऊपर फोकस है। उदाहरण के तौर पर मान लो अगर 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में ये लोग कुल मिलाकर के आपसे पूछ रहे हैं यदि 200 सवाल, तो उसमें से 180 नंबर आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के होंगे, 20 नंबर आपके इंटरव्यू के होंगे। इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इंटरव्यू में जो कमेटी मेंबर्स बैठेंगे वो कैंडिडेट्स को मिनिमम की अगर हम बात करें तो कम से कम यहाँ पर 8 से 9 नंबर, और मैक्सिमम की बात करें तो 18 नंबर से अधिक मार्क उनको नहीं दे सकते। ये नहीं कि 20 में से 20 नंबर आपने जो है उनको मार्क कर दे, ये यहाँ पर नहीं होगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, पेपर जो है वो MCQ बेस्ड होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और साथ में पेपर CBT मोड में आयोग करवाएगा या यहाँ पर जो है पेपर पेन मोड में करवाएगा। अब ये तो जब वैकेंसीज आउट होंगी तो उसके बाद ही यहाँ पर चर्चा जो है बेहतर इसके बारे में की जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस में भी ये खबर आज काफी चर्चा में रही, तो ये कुल मिला जुला कर देखें तो एक अच्छी खबर है। यूपी शिक्षक आयोग बन जाने के बाद अब वैकेंसीज कब तक आएंगी, तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना करके चर्चा करेंगे। हालांकि एक अच्छी खबर है, जो बच्चे यूपी में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे सुपर टेट का या टेट का, तो वो कम से कम यहाँ पर अब तसल्ली से जो है अपनी तैयारी कर पाएंगे। सिलेबस में खास परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। अब ट्रेंड ग्रेजुएट में, SST में, या फिर मैथ्स में, साइंस में, या फिर अगर PGT में बात करें या PRT में बात करें, तो देखिए सिमिलर ही रहती हैं चीजें। हाँ, आपके सवालों का स्ट्रक्चर फॉर्मेट बदल सकता है, बट सिलेबस में कोई खास परिवर्तन नहीं है। एक चीज में जो मैं यहाँ पर एड ऑन कर दूं,
इंटरव्यू में इन्होंने मेंशन किया कि पीआरटी में भी हम इंटरव्यू करवाएंगे, केवीएस जैसे संस्थान को छोड़ करके कोई भी संस्थान यहाँ पर पीआरटी में इंटरव्यू नहीं करवाता है। हालांकि इन्होंने नोटिफिकेशन में तो ऐसा ही मेंशन किया है, अब बाद में परिवर्तन कोई यदि होता है तो एक अलग बात है, जबकि पीआरटी में कोई तुक नहीं बनता है इंटरव्यू लेने का, लेकिन अगर करवा रहे हैं तो फिर जो इनका डेकोरम है उसको तो फॉलो है, प्रोटोकॉल को तो फॉलो करना पड़ेगा, तो ये एक अलग बात है। तो पीआरटी में इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा ये अब आने वाली वैकेंसी से बताएंगी। हालांकि आपको प्रिपेयर रहना है, अब फोकस आपका रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर हो, पेपर पैटर्न के ऊपर हो, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर हो, और अगर कुल मिलाकर के देखें तो पेपर का स्ट्रक्चर कैसा आ सकता है, क्या संभावना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर जैसा पेपर ये लोग रखने की पूरी संभावना बनती दिखती है यहाँ पर। तो आप पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं अगर उस फेज में हैं अध्यापक बनने के, यूपी में यदि इच्छा है शिक्षक बनने की, तो सुपर टेट और टेट की तैयारी आप यहाँ पर बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन, और सुपर टेट की तैयारी बिल्कुल शुरू जो है अपकमिंग नेक्स्ट वीक तक शुरू हो जाएगी। और कोई भी यदि सवाल अगर आपका रह गया है इस नोटिफिकेशन के बाद तो ज़रूर पूछिएगा, और जुड़े रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।